हाय फ्रेंड्स, दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स सियरा ब्लू कलर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स बहुत ही छोटा बॉक्स पैक में आपको मिलता है। जैसे यहाँ से आप इसका बॉक्स का क्लोज लुक देख सकते हैं, बहुत ही छोटा बॉक्स है। तो हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्विकली करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, बॉक्स पैक को ओपन करना काफी आसान है। जैसे कि आपको ये दो जगह से जस्ट पुल कर देना है, यहाँ से एक एंड सेकेंड यहाँ से एक। उसके बाद आप बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स मिल जाता है। तो नीचे आपको एक लाइटिंग केबल मिलता है एंड ये जगह में आपको सिम इजेक्टर टूल विथ कुछ पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है एंड एप्पल का लोगो आपको एक ही मिलता है। तो इसमें आपको यूएसबी सी टाइप 2 लाइटिंग चार्जिंग केबल मिलता है, इसमें कोई भी चार्जर आपको नहीं मिलता है। तो मेन फोन के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो फोन में आपको 6.7 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले मिलता है विथ प्रोमोशन एंड बैक साइड में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे 3 कैमरा है विथ फ्लैश एंड ये साइड में पावर बटन है एंड फोन का ये साइड में आपको साइलेंट बटन मिलता है, वॉल्यूम रॉकर्स मिलता है एंड सिम ट्रे मिलता है। तो नीचे की तरफ ये जगह में चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है एंड फोन का चारों तरफ सेरामिक शीट का कोटिंग दिया गया है। तो अभी हम फोन को बूट कर देते हैं। तो इसका फ्रंट एंड बैक ये दोनों कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। तो मैं क्विकली यहाँ पे इसका बेसिक सेटअप कर देता हूँ। तो अभी फोन का फास्ट बूट हो गया है, तो इसका बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये फोन में बहुत कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे कि इसका फ्रंट एंड बैक साइड ये दोनों में आपको ग्लास मिलता है एंड फोन का चारों तरफ में जो फ्रेम है ये स्टेनलेस स्टील का दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे इसका क्लोज लुक देख सकते हैं। तो जैसे ही आप फोन को बूट करेंगे तो पहला नोटिस करेंगे यहाँ पे जो नॉच है ये काफी छोटा कर दिया गया है। जबकि प्रीवियस कोई भी आईफोन का मॉडल आप देखेंगे तो उसमें नॉच जो है वो काफी बड़ा था, बट इस पर आईफोन 13 प्रो में आपको नॉच जो है बहुत ही छोटा मिलता है। तो ये फोन का डिस्प्ले बड़ा होने के साथ साथ इसका वेट भी ज्यादा है। जैसे कि ये 240 ग्राम का है, मीन्स ये एक हैवी स्मार्टफोन है। तो ये फोन में आपको वाटरप्रूफ भी मिलता है। जैसे कि 6 मीटर के अंदर कोई भी पानी के अंदर आप जाते हैं 30 मिनट्स तक ये फोन आराम से सर्वाइव कर पाएगा। जैसे कि अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं या किधर स्विमिंग भी करते हैं तो 6 मीटर गहराई में 30 मिनट तक आपका फोन डैमेज नहीं होगा, उससे ऊपर जाता है तो फोन डैमेज हो सकता है। एंड इसका फ्रंट साइड में जो ग्लास दिया गया है ये स्क्रैच प्रूफ ग्लास है। तो ये फोन में आपको 6.7 इंच का लार्ज स्क्रीन मिलता है जो कि ओलेड डिस्प्ले है एंड इसका रिजोल्यूशन 1284x2778 है एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर हम इसका पिक्सल डेंसिटी का बात करते हैं तो इसमें आपको 450 GGI का पिक्सल डेंसिटी मिलता है। ये फोन HDR सपोर्ट करता है एंड डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। तो ये फोन का 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है एंड प्रोमोशन दिया गया है वो डिपेंड करता है आपका वेरियस एप्लीकेशन एंड आपका टच के ऊपर, तो उसमें आपका काफी बैटरी भी सेव हो जाता है। तो इसमें आपको एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। अगर डिस्प्ले का बात किया जाए तो ये फोन का डिस्प्ले जो है लाजवाब है। जैसे कि इसमें कलर गैमेट्स आप देख सकते हैं, इसमें आपको वाइड रेंज का कलर गैमेट्स मिलता है एंड कलर डेप्थ जो है बहुत ही एक्यूरेट है। इसमें आपको 1000 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी इसका डिस्प्ले को देखते हैं तो भी कलर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा या डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपको बताया था ये HDR भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे कोई भी HDR कंटेंट आपको देखना है तो भी देख सकते हैं। जैसे ये एक वीडियो है, जैसे ये वीडियो 4K का है एंड 60 FPS में HDR वीडियो है, तो इसको भी ये कंटेंट को भी आप ये फोन में आराम से देख सकते हैं। अगर फोन का ऑडियो एंड स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको स्पीकर ये जगह में मिलता है, उसके साथ साथ ये स्टेरियो सपोर्ट करता है। मीन्स इसमें कोई भी कंटेंट अगर आप प्ले करते हैं तो उसका ऑडियो जो है आपको ये स्पीकर में भी सुनने के लिए मिलेगा एंड ऊपर का स्पीकर में भी सुनने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये गाना आपको प्ले करके सुनाता हूँ। तो
तो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है ये फोन का, जैसे कि स्टेरियो इफेक्ट आपको साफ साफ पता चल जाता है। एंड इसमें जो स्टेरियो साउंड दिया गया है उसका क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। मीन्स कोई भी गाना वगैरह अगर आप डायरेक्ट फोन से भी सुनते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये फोन में आपको एक ह्यूज कैपेसिटी का बैटरी मिलता है। अगर हम सभी आईफोन सीरीज का बात करते हैं तो इसका बैटरी कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलता है। तो इसमें आपको 4352 मिली एम्पियर का बैटरी मिलता है, जो कि मॉडरेट यूज अगर आप करते हैं तो एक दिन से ज्यादा भी चल जाता है। तो ये फोन 27 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो इसमें आपको एप्पल का लेटेस्ट A15 का बायोनिक चिपसेट मिलता है एंड इसका रैम जो है वो 6GB का है। तो प्रोसेसिंग बहुत ही इसमें स्मूथ आपको मिलता है। अगर हम इसको दूसरा फोन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है एंड फोन काफी स्मूथ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गेम काफी स्मूथली प्ले हो रहा है। तो ये फोन में आपको आउट ऑफ बॉक्स iOS 15 मिलता है एंड इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही बेहतर है। तो उसके साथ साथ आपको इसमें बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये फोन का बैक साइड में 3 कैमरा मिलता है, जो कि इंडिविजुअली 12 मेगापिक्सल का है। इसका मेन कैमरा जो है वो 1.5 एपर्चर के साथ आपको मिलता है एंड सेकेंड कैमरा जो है वो टेलीफोटो कैमरा है, जो कि आपको 2.8 एपर्चर के साथ मिलता है, जिसमें आपको 3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। एंड थर्ड कैमरा जो है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो कि 1.8 एपर्चर का है। एंड ये जगह में आपको एक लिटर स्कैनर मिलता है, जो कि पोर्ट्रेट एंड ऑटो फोकस के लिए आपको काफी हेल्प करता है। एंड इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो अभी मैं इसमें कुछ फोटो निकाल के आपको दिखाता हूं, तो आपको बेटर समझ में आएगा इसका कैमरा का क्वालिटी कैसा है। फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको ये कहूंगा कि ये एक एक्सलेंट फोन है, जिसमें आपको अमेजिंग डिस्प्ले मिलता है एंड इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल। टिल देन स्टे ट्यून।